खमागणी साहब, सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना मनोहर में। और ये होने वाला है मेरा होली का व्लॉग। कल है होली, मतलब आज रात को मैं शूट कर रही हूँ होली से एक दिन पहले। और होली का त्यौहार है तो उसके लिए मेहंदी लगानी है। मम्मी ने कहा है कि मेहंदी लगानी है, तो बस मैं नाखून लगा रही हूँ ताकि फिर टाइम से सूख जाए और सोते टाइम प्रॉब्लम ना रहे। तो बस मेहंदी लगा रही हूँ और उसके बाद मैं कल का आपको होली का त्यौहार दिखाएंगे हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, ये मेरी जब फर्स्ट होली थी शादी के बाद में, उस पर तो मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, क्योंकि फर्स्ट होली जो होती है पीहर में मनाई जाती है। सेकंड होली हमारे यहाँ सेलिब्रेट नहीं हुई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट होली ही होगी कि जो मैं सेलिब्रेट करूँगी सबके साथ में। सो कल आपको दिखाते हैं। मेहंदी लगा ली है, सिर्फ नाखून की लगाई है, तो सूख भी गई है और बस कुछ नहीं, उसको रिमूव मतलब हटाएंगे और फिर सोचाएंगे, फिर कल का आपको दिखाएंगे जो स्पेशल सा व्लॉग होगा वो। हाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। होली की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। खैर, व्लॉग तो होली के बाद आएगा एंड इट्स मॉर्निंग टाइम। थोड़ा छत पे आई थी मैं मशीन लगाने के लिए, वॉशिंग मशीन, और बस अभी शावर लेना है। किसी ने मुझे बोला भी था कि हर व्लॉग में शावर कंपलसरी होता है, तो भाई डेली नहाते हैं ना, एंड व्लॉगिंग सारे दिन की होती है तो ऑब्वियसली उसमें दिखेगा ही। सो बस शावर लेना, उसके बाद में रेडी होना है। देखते हैं, आज नया सूट पहनना है, फाका हुआ तो शाम को पहनेंगे, अभी पहन लेंगे जो कि वो दिखा देंगे आपको। और लड्डू को भी मैं आज थोड़ा सा नए कपड़े, नई ड्रेस पहना के तैयार करूँगी, सबको दिखाती हूँ। बस शावर ले लिया है मैंने, और अभी मैंने जस्ट एक नॉर्मल सा सूट पहना है, फाक का बाद में पहनेंगे अभी, क्योंकि काम वगैरह भी है किचन का। और अभी मैं बस अपना स्किन केयर करने जा रही हूँ, तो मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, मामाअर्थ न्यू लॉन्च विटामिन सी सीरम, तो आप पहले वो देख लो। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, मामाअर्थ के विटामिन सी फेस वॉश एंड फेस सीरम। जी हाँ, मामाअर्थ के प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर प्लांट की गुडनेस होती है, केमिकल फ्री होते हैं, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स, पैराबीन, टॉक्सिन बिल्कुल फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। सो मुझे पर्सनली मामाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत यूज़ भी करती हूँ। उनके लिपस्टिक ले लो, चाहे आप विटामिन सीरम ले लो, या फिर उनके आप चाहे फेस वॉशेज ले लो, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। और सबके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही होती है कि बिल्कुल टॉक्सिन फ्री होते हैं। पता है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, उनमें काफ़ी केमिकल्स आते हैं जो हमारी स्किन को हार्श कर देते हैं, बट मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल टॉक्सिन्स फ्री होते हैं, उनके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होता। मेरे पास यहाँ पर है विटामिन सी फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सेकंड मेरे पास है मामाअर्थ का विटामिन सी सीरम। और जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट होते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं, सो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इनके अंदर प्लांट की गुडनेस होती है एंड जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट होते हैं वो आपको नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। और ऑल्सो ये मामाअर्थ की एक वेबसाइट है खुद की, तो वहां पर भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड मामाअर्थ का जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट वहां से यूज करना हो तो। विटामिन सी आपको पता है कि जो सनराइजेज होती है उसे हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, आपको एकदम ब्राइटनिंग स्किन ग्लो देता है, आपको ब्राइटनेस देता है। विटामिन सी से आपको एक ग्लो मिलता है ब्राइटनेस वाला, आपके जो पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता है। टर्मरिक एक एक्सीलेंट एक्सफोलिएटर है जो आपकी स्किन होती है उसको डीपली नरिश करता है, डीपली इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। एंड जो एलोवेरा होता है वो आपकी स्किन में एक नरिशमेंट, स्मूथनेस सा देता है। एंड सो मुझे मामाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अगर हम विटामिन सीरम की बात करें तो आपको पता है विटामिन जो सी सीरम होते हैं वो अभी गर्मियों के लिए, समर्स के लिए बहुत ही बेस्ट वाली चीज है। सो आपको जरूर 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 आपको अपनी आपको अपनी स्किन केयर में विटामिन सी सीरम डेफिनेटली यूज करना चाहिए। मैं अपने बहुत से DIY वाले व्लॉग्स में या फिर अपने जो स्किन केयर वाले वीडियोस होते हैं उनमें हमेशा बता दूंगी आप विटामिन सी जरूर यूज करा करो अपनी स्किन के लिए। ये आपको एंटी एजिंग होने से बचाएगा, आपके फेस पे रिंकल्स वाली प्रॉब्लम उसको रिमूव कर देगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर कर देगा, एक ब्राइटनेस आपके स्किन में मिलेगा, आपको ग्लो मिलेगा। सो ये है इसके अंदर 10% विटामिन सी एशन सीरम है, ऑल स्किन टाइप है, पैराबीन सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो मैं आपको पहले फेस वॉश यूज करके दिखाती हूँ। है मामाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश विद टर्मरिक एंड इसके अंदर 250 पंप है, तो आप इसको इजीली 2 मंथ तक यूज कर सकते हो। एंड लेमन, जिंजर इसके भी
के अंदर आपको बेनिफिट मिलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए टेस्टेड है सूट ऑल स्किन टाइप, सो जरूर आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इससे जो आपकी सनटैन वाली प्रॉब्लम है वो भी जरूर दूर हो जाएगी। अब मैं आपको सीरम यूज करके दिखाती हूँ। सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड ये जो मामर्थ के प्रोडक्ट होता है आपको डीपली इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। इसके साथ में पंप मिलता है विटामिन सी के सीरम के साथ में। समर्स आ रही है और आपको पता है कि समर्स में हमारे सनटैन बहुत ज़्यादा होता है। सो बहुत 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 ही अमेजिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं विटामिन सी के सीरम्स। ओह माय गॉड, इतना ये लाइट वेट है, बिल्कुल ऐसे वो ग्रेसी लुक नहीं है, ग्रेसीपन नहीं है इसके अंदर, वो चिपचिपा। वरना कुछ विटामिन सी के सीरम्स होते हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किया है, जो कि बहुत चिपचिप करते हैं, तो मेरे को तो लगाने का ही उनको मन नहीं करता है। बट ये बिल्कुल भी उस टाइप का नहीं है, लाइट वेटेड है, इजिली अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में विद इन 30-40 सेकेंड में। आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेरा कूपन कोड यूज करते हो सपना 2022 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मामर्थ की जो खुद की पर्सनल वेबसाइट है आप वहां से इनको परचेज कर सकते हो। मामर्थ की ऐप को आप डाउनलोड कर ले और ये देखिए बिल्कुल इजिली अब्जॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन में। बिल्कुल ये देखिए बहुत 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 इसके अब्जॉर्ब करने का जो वो है बहुत अच्छा है एंड बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है, इजिली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो रहा है। आपको भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सनटैन हो रखा है, तो प्लीज आप विटामिन सी के सीरम यूज करें मामर्थ के एंड जरूर आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। ओके, बस अब मैं पूजा रूम में आ गई हूँ। आपने मतलब अभी बता रही थी, आपने जो प्रोडक्ट देखा बहुत ही अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है स्किन के ऊपर। से हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस। और अभी हम काना को तैयार करेंगे, आज होली है। सो मैं काना को पहना रही हूँ आज ये वाली ड्रेस येलो, और ये रहे काना की बाल्टी और पिचकारी। और कल काना को पहनाएंगे हम फाग वाली ड्रेस, आज ये न्यू ड्रेस जीजा लेके आए थे, सो मैं ये पहना रही हूँ। साथ में मैं ये न्यू ग्रीन पग पहनाऊंगी, तो काना को ध्यान करती हूँ। लड्डू को मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनाई है और अब मैं ज्वेलरी निकाल रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा आज ग्रीन पहनाने का मन है क्योंकि येलो के साथ ग्रीन है, तो ये मैंने ग्रीन कलर के कंगन निकाले हैं और साथ में इसके अंदर है ग्रीन कलर भी, ग्रीन कलर की ये वाली माला, ग्रीन एंड येलो ये वाली माला बनाएंगे आज काना को। आज पहने का लिटिल नई नई ड्रेस है ये। लड्डूडे लड्डूडा लड्डूडा सो ये है आज के लड्डू के दर्शन। और ये लड्डू को अभी नाश्ता करवाएंगे। लड्डू नाश्ता करो, दूध बिस्किट। हैप्पी होली, यस, क्योंकि होली के बाद आएगा व्लॉग तो। और बस मॉर्निंग टाइम, आज हम बनाने वाले हैं पापड़ के पराठे साथ में रायता, और शायद बनाए हैं अभी हमने पोई बनाया नाश्ते के लिए। और हम लोग शाम को तैयार होंगे, वो आपको दिखाएंगे। फाग की ड्रेस पहनेंगे होलिका दहन पे, अभी हमारा सेम पिच है। आज हम लोग पिंकी और रेडी बनते हैं, लाली बनते हैं, आज हम पिंक है, येलो येलो पिंकी पिंकी नहीं पिंकी पिंकी। और अपने लहंगे भी तो कलर भी सेम है, ब्लू ब्लू। हाँ, ये कोइंसिडेंस हुआ है, मैंने सोचा ही नहीं था। और ये पापड़ जो थे उनको पहले तेल में फ्राई किया, उसके बाद में सिर्फ इनको छोटे छोटे पीसेस में करके नमक और मिर्च मिलाया है बस। ये हमारे लड्डू के लिए ऑरेंज लड्डू,
और बस सुबह पराठे वगैरह बनाए थे, उसके बाद में कुछ दिखाया नहीं और हम लोग बस से हम दोनों बातें करने लग गए थे। उसके बाद में हम लोग वापस अभी किचन में आए, हमने सोचा खाना थोड़ा जल्दी बना लेंगे। एंड मुहूर्त पता है आपको होली का ही आज हो ना यार क्या है, और होली का जो मुहूर्त है वो 1 बजे है, तो हमने सोचा था तैयार होंगे बट अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, होए ना होए वो है। सो मम्मी के लिए चाय बनाई है, लड्डू को नाश्ता कराया है और अब देखेंगे कि क्या खाना बनाना है। अरे होली दिवाली पे मूंग चावल बनते हैं और इनके साथ एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, पहले चावल है ना, चावल बनते हैं और फिर मूंग चढ़ते हैं, और जब परोसघारी होती है तब पहले मूंग डालते हैं, फिर चावल डालते। ये एक छोटा सा रूल होता है बट हम लोगों के है, मतलब जरूरी नहीं है हर जगह, बट हमारे घर पे ये है होली दिवाली पे, तो हमारा जो होली दिवाली पे खाना होता है वो यही होता है। हमारा कानू क्या बन के आया है, होलिया में उड़े रे गुलाल। कानू क्या है ये, कानू ले रही हूँ मैं, पहले दिखाते तो आप क्या क्या लेके आए हो। कानू हमारे लेके आया है कलर्स पापा के साथ जाके, साथ में मिठाई है और नमकीन वगैरह है। कानू लौकी की फोटो ले। खाना वाना बना के सब रख दिया है, बस जब खाएंगे तब गरम गरम रोटियां सेकनी है, और अब हम दोनों रेडी होने आ गए हैं। मन कर रहा है वैसे फाग पहनने का, तो हमने कहा चलो रेडी होते हैं, साथ में कुछ फोटो वोटो खिंचवाएंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ में इंस्टा पे शेयर करूंगी। आप करें, आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, ऑफिशियल सपना मनहर मेरी आईडी है। सो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ जो कि मम्मी ने अभी एनिवर्सरी पे दिया था, प्योर का भी है बट मैं कॉटन का पहन रही हूँ, और ये बैंगल बॉक्स पूरा मम्मी ने दिया था एनिवर्सरी पे, तो उसमें मैं रेड वाली सोच रही हूँ इसके आगे लगाने का। तो हम लोग फाग पहन के रेडी हो चुके हैं सेम टू सेम, और अब हम सुबह से, अब याद आया हमको तैयार होना फाग पहनना, वो चिंती कुछ है ही नहीं, चलो तैयार हो जाते हैं। सडनली मन में आ रहे फोटो तो क्लिक करवाते हैं, और हम फोटो खिंचाने के लिए आ गए हैं बाहर। प्योली हुकम है कहीं के फोटो खिंचवा लिया, और अभी हमारा काला खट्टा गोला खाने का मन कर रहा था कानों को देख के, कानों तो लेके नहीं आया हमारे लिए, तो हम कुलदीप के पीछे पड़ गए दोनों जनी। हमने प्लान बनाया, इनका मैं बोलूंगी तो डांटेंगे, तो अभी कुलदीप लेने गए हमारे लिए, हम बहुत देर से पीछे पड़ रहे थे, काला खट्टा गोला खाएंगे। ये हम कैसे लड़ते हैं देखो बच्चों की तरह, और हमने फाइनली मंगवा के छोड़े। कहाँ मिले कानू, वही मिले क्या, वही खड़ा था वो कानू, इसके अंदर हाथ मत करना, अभी कपड़ा फेरते हैं। ये और ये कुल्फी पार्टी, सॉरी गोला पार्टी, और हमारा गोला हमें कैमरामैन बना दिया गया है। और ये अंकित आया था मिठाई देने, हर बार त्योहार पे भाभी कर मेरे घर से मिठाइयाँ आती है। होली का दहन तो लेट है, जैसा कि इस बार मुहूर्त लेट है, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। हमारे यहाँ पर फेस्टिवल पे ऐसा होता है कि हम चारों, जैसे मम्मी पापा एक साथ खाते हैं, और हम चारों, मैं भैया जीजा कुलदीप, हम चारों एक साथ खाते हैं। सो हम मूंग चावल साथ खाएंगे, गासे देंगे, ऐसे होता है हम लोगों का फेस्टिवल सेलिब्रेट। खाना हमारे फिक्स है, लेकिन मूंग चावल और अब हम लोग होली का दहन देखने जा रहे हैं, और खाना हमने खा लिया है, लड्डू को मैं साथ लेके जा रही हूँ। घर आ गए हम लोग, होली का दहन हो चुका है, काफी बिजी वाला डे था, पूरे दिन बस ऐसे इधर उधर भाग दौड़ में लग रहे थे, बहुत थक भी चुके हैं। होपफुली आप लोगों की भी होली अच्छी रही होगी, एंड कल है धुलंडी, एंड कल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मैं अलग अलग व्लॉग बनाऊंगी, सो उनकी तैयारियां करनी है, वो मैं आपको शायद कल, मतलब सुबह वाला जो क्लिप आएगा उसे पता लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सो बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो अभी हम लोग सो रहे हैं, उसके बाद में कल धुलंडी का कैसे क्या है वो आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, और भाई मैं नहा ली हूँ, कल यही ड्रेस पहनी थी शाम को, लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ी देर हमें पूजा वगैरह करनी है, तो रात को इतनी देर पहनी नहीं थी, इसलिए हमने वही पहन लिया है। और आज है धुलंडी, रंगों से खेलने वाली होली, मेरे पूरे मुंह में छाले हो रहे हैं, है ना, तो आज धुलंडी है। बस अभी हम लोग पूजा करेंगे, हम लोग पहली बार अपने घर पर गणगौर डाल रहे हैं, सो गणगौर और दशा माता की कहानी सुनी जाती है 10 दिन आज से, तो हम वो भी करेंगे, चौका उसका मांडना है, वो सब मैं आपको अलग पर्टिकुलर व्लॉग्स बना रही हूँ उनके, उसमें आएगा। और अभी मैं फटाफट से जाके लड्डू को नहला देती हूँ, और लड्डू का फाग की ड्रेस पहनाऊंगी, सो ये तैयारियाँ करनी है जाके, लड्डू को ये ड्रेस पहनाऊंगी मैं फाग की, ये
देखिए लड्डू ने ड्रेस पहन ली है, अब लड्डू मैचिंग मैचिंग कंगन पहनेंगे। बस अभी तैयारियां चल रही है दशहरे माता की, पहले हम कथा करेंगे। सो राखड़ी शिशु लगाने के लिए आए, क्योंकि कोई भी कहानी वगैरह सुनते तो आखड़ी शिशु लगानी चाहिए। और ये दशहरे माता का चौका बनाया गया है, जहाँ पर हम लोग 10 दिनों तक कहानी सुनेंगे, उसका भी एक पर्टिकुलर व्लॉग आएगा अलग से। और अभी हम लोगों ने दशहरे माता की कहानी कर ली है। गौर की धूप और जल लेने के लिए वो बाहर से आता है। ये हमारे पास में मंदिर था तो हम वहाँ गए थे धूप लेने। धूप तो हमने घर से ले ली थी, पानी लेने गए थे गणगौर का। श्याम जी का मंदिर था ये, श्याम बाबा का, और साथ में शिव परिवार भी था, तो हमने वहाँ पर भी जल चढ़ाया। और ये हमारे घर पे धूप लग रही है, तो हमने सोचा धूप यहीं से ले लेंगे हम। कच्ची कच्ची पहले तोड़ लो, अंदर तोड़ेंगे गीत गाते हुए, आप तो इकट्ठे तोड़ लो थोड़ी सी। हाँ सो सारी पूजा हो चुकी है, हमने दशहरे माता की गणगौर की कर ली है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसके बाद में होली खेलेंगे, है ना। हैप्पी गणगौर, हैप्पी दशहरे माता। यस, और इनके अलग से पर्टिकुलर व्लॉग्स आएंगे, ये तो हम लोग सिर्फ एक क्लिप थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें। और हमने चेंज कर, अभी मैंने बस चेंज कर लिया है, क्योंकि होली खेलेंगे तो वो सूट खराब हो जाता है, इसलिए बस घर का एक सूट डाल लिया है। ये आई थिंक इस पर तो कलर उतर जाएगा, ओढ़नी ओढ़नी खराब होगी तो ओढ़नी नहीं ले आएंगे। और बस दिखाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कोई खेलेगा तो अभी जैसे हम सोच रहे कि हम भी खेल लें चारों। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार होली खेली है, अपनी शादी के बाद फर्स्ट वाली, मैं कभी होली नहीं खेलती थी, और क्योंकि मेरे को ना कलर से बहुत ज़्यादा एलर्जी, जैसे अभी रोली भी मैंने लगाई तो कल यहाँ पर छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं। सो मैंने बस उस टाइम फर्स्ट बार अपनी होली बहुत खेली थी, और अभी भी देखो मैं तो बचने की कोशिश ही कर रही हूँ अगर फिर भी। और अभी चेंज तो हमने कर लिया था, अब हमारे अच्छे थे, देखो हमारे कितने फूट रहे सूट पहने हमने, और अब हम लगा लेंगे घर के सूट है गाइस, और ऑयलिंग करेंगे बालों में, क्योंकि फिर बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। नारियल तेल लगाएंगे, हम ऑयल लगा के रेडी हो चुके हैं होली खेलने के लिए, चंपू चंपू बन गए। हाय राम, कठों से एक रावल लुक गई। हैप्पी होली मम्मी, इनको बुलाओ, इनको 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 कन्वेंस देंगे। तो चल जाओ तो कहीं। और ये हम जा रहे थे जीजा के घर पे, क्योंकि भैया भाभी की शादी हुई थी, आपने मेरे व्लॉग्स देखे थे, तो भाभी सा की फर्स्ट होली थी, उनके साथ खेलने के लिए हम जा रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग जैसे मेरे बड़े ससुराल वगैरह, बड़े पापा के यहाँ पर हम लोग गए थे फिर, और हमारी हालत देखो आप। रुको रुको, कलर कौन है? अच्छे से पता चला कि सही हो गया।
ऐसे होली खेल ली है और इतनी ज़्यादा होली खेली, मेरे यहाँ पर कट्स भी लग चुके हैं, आपको भी कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, बट इतनी मतलब पक्के वाले कलर से होली खेली थी। पहले जीजा के गए थे, फिर हम हमारे बड़े पापा साहब के घर पे गए थे, उतर ही नहीं रहा, पूरी बॉडी पे ऐसे कलर हो रहा, और मैंने कम से कम 1.5 से 2 घंटे नहाई हूँ, एक साबुन ने पूरा ख़त्म कर दिया रगड़ रगड़ के, बताइए उतर ही नहीं रहा है कलर, कब उतरेगा। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बस सब कुछ ये थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसके बाद में हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, क्योंकि आज इतना थक गए हैं, घर पे तो खाना खाएंगे नहीं, बनेगा नहीं मतलब, तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे बस। और अपना व्लॉग होली का मैं यही एंड कर रही हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप नए हैं तो। बाय। और अब हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए शाम को, और हमारे हाथ में शक्ल देखो मेरे, मेरा बिल्कुल कलर हाँ लिखो हाँ पर्पल हैंड हो गए हमारे, और ये कल आटे में घूम घूम के देंगे, कल हमारे घर में डिफरेंट कलर की रोटियां बनेंगी, हर बाइट के साथ एक अलग कलर।